मंदसौर जिले के शामगढ़ में आज स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी महिला कार्यकर्ता द्वारा मांगों को लेकर शामगढ़ शासकीय हॉस्पिटल में हड़ताल पर बैठी। इनका कहना है कि हम जितना काम करते हुए सरकार हमें उतना वेतन नहीं देती है, काम ज्यादा वेतन कम। हमारी सरकार से मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जावे। हमें आज जो वेतन मिलता है उससे हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। महंगाई के समय में हमें सरकार बहुत कम वेतन देती है, जिसे बढ़ाया जावे हमें यानी करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज शामगढ़ ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सहयोगिनी महिला कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। मंदसौर से जसपाल टेलर की खास रिपोर्ट। हमारे पास अब 12-15 गांव है और मेरे 15 गांव है तो मेरे 30 किलोमीटर की फील्ड है। अब 30 किलोमीटर में हमें 50 रुपए मतलब दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है? और हमसे जो आशा सर्वे करती है उन सर्वे का रिकॉर्ड हमको रखना पड़ता है। जैसे हमारे पास 3-3 उपस्वास्थ्य केंद्र है, 3-3 उपस्वास्थ्य केंद्र का लेखा जोखा पूरा टीकाकरण बच्चों का गर्भवती का जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम में सबका रिकॉर्ड हमको रखने की बोलते हैं। अब 5,000-6,000 वेतन दिया जाता है हमको। 6,000 वेतन में हम किराया खर्चा निकाले, हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए, हमारा घर खर्चा निकाले, कैसे करेंगे मैनेज? तो हमारी मांग यही है कि हमको मतलब 8,000 कम से हमको ना तनख्वाह चाहिए महीने की और ना इस तय किया जाए। हमारी ना मानदेय से हमारा पूरा खर्चा नहीं हो पाता है, पूरा परिवार नहीं चल सकता हमारा मानदेय से। और मानदेय में हमें कभी कभी 100 रुपये भी नहीं होते हमारे, और कभी कभी 1,000-2,000 हो जाए, उससे क्या होता है? तो हम काम इतना करते तो उस काम का हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। हमसे सब कार्य किया, हमें सारा कार्य करवाया गया। हम ही तो एक आशा ही तो वो कड़ी है, गाँव की जो मजबूत कड़ी है।